डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला मैडम सारा उमर की हदायत पर स्मोग, आलूदगी फैलाने और मुजरे सेहत मवाद इस्तेमाल करने वाले सनती यूनिट्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात मोहम्मद वसीम अहसन चीमा ने इंस्पेक्टर गुलाम मुर्तजा भट्टी और नवीद अहमद के हमराह शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ की। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं शफकत सयाल। जी शफकत, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस कार्रवाई में 9 फैक्ट्रियों को चेक किया गया और खिलाफ अजोरी के मुर्तकब 4 मुख्तलिफ यूनिट्स को मजमूई तौर पर 2 लाख रुपए जुर्माना और 1 यूनिट को सील भी किया गया। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात मोहम्मद वसीम अहसन चीमा के मुताबिक जिला भर में आलूदगी की रोकथाम के सिलसिले में गुज़श्ता रात ग्रैंड ऑपरेशन के दौरान कार्रवाई की गई, जिनमें गैर मियारी फ्यूल इस्तेमाल करने वाली 4 फैक्ट्रियों को जुर्माना किया गया, जबकि 5 को स्मोक का बायस बनने पर नोटिस जारी किया गया और 1 थर्मल पावर यूनिट को सील कर दिया गया। मजीद बताता चलूँ, इसी तरह डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात ने अपनी टीम के हमरा ख्याली और गुजरांवाले के अलावा दीगर इलाकों में छापामार कार्रवाइयों के दौरान 3 मेटल इंडस्ट्री यूनिट को 50,000 रुपए जुर्माना और 1 ब्रश कंपनी को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी की खिलाफ दौरी पर 50,000 रुपए जुर्माना, जबकि 1 यूनिट को सील कर दिया गया। इन्होंने बताया कि मेटल वर्क्स यूनिट भट्टों और सील की गई फैक्ट्रियों में गैर कानूनी तौर पर ईंधन, रबड़, प्लास्टिक और दीगर धातुओं को जलाया जा रहा था, जो कि फजाई आलूदगी और स्मोक का बायस बन रहे थे। डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला सायरा उमर ने कहा कि आलूदगी की रोकथाम के लिए महकमा माहौलियात, ट्रैफिक और दीगर मुतल्लिका अदारे मिलकर कानून की खिलाफ दौरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का अमल जारी रखेंगे। जी बहुत शुक्रिया शफकत सयाल हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए।